फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसे 80% महिलाएं परेशान रहती हैं। वो परेशानी है डिलीवरी के बाद बालों का झड़ना। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिलीवरी के बाद बाल क्यों झड़ते हैं और कौन से घरेलू उपाय और कुछ टिप्स को फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को रोक सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी का समय चल रहा होता है तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और ये हार्मोन पीक लेवल में बढ़ने लगता है और इसी हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी के समय आपके बालों में चमक आ जाती है और बाल सिल्की हो जाते हैं और बाल घने होने लगते हैं। लेकिन आपकी डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी में कम होने लगता है और जिसकी वजह से आपके बाल एकदम से गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से महिलाएं परेशान हो जाती हैं। आप घबराएं नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ समय के बाद आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। जी, वही बाल हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के समय नहीं टूटे थे और वो अब टूट रहे हैं। ये समस्या डिलीवरी के 2-3 महीने के बाद शुरू होती है और किसी महिला को ये 1 साल तक रहती है और किसी महिला को ये 1 साल के ज़्यादा देर तक भी रहती है, 1.5 साल 2 साल तक भी रहती है। और अगर 1 साल के बाद भी आपके बाल झड़ रहे हैं और ये समस्या आपको 1 साल के बाद भी ज़्यादा है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आप कुछ घरेलू उपाय करके और कुछ टिप्स को फॉलो करके इस प्रॉब्लम को रोक सकती हैं। पहला उपाय है, अपने सर पर तेल मालिश जरूर करें। हमारे बालों के लिए तेल उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे शरीर के लिए पानी। अगर हमारे बालों को तेल ना मिले तो बाल झड़ने लगते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो भी तेल लगाएं नेचुरल हो, केमिकल फ्री हो। आप नारियल, बादाम या जैतून का तेल लगा सकती हैं। लेकिन अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं और आप जल्दी से जल्दी अपने बालों का झड़ना रोकना चाहती हैं और इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हैं तो आप नेचर श्योर का थुम्बा वंडर ऑयल का इस्तेमाल करें। इस तेल से आप डेली 15 मिनट के लिए मसाज करें। 1 महीने में इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये तेल मैंने खुद अपनी डिलीवरी के बाद इस्तेमाल किया था। ये तेल 100% नेचुरल है। इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हैं सब नेचुरल हैं, प्योर आयुर्वेदिक ऑयल है और सबसे बड़ी बात, बजट फ्रेंडली है। इसका प्राइस 340 है। अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। आप इससे ज़रूर ले लेना अगर आप सच में अपने बालों के को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि ये ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हेयर काउंट को भी इंक्रीज करता है। इसे मैन और वुमेन दोनों लगा सकते हैं। आइए जानते हैं आप दूसरा उपाय है, हेयर मास्क। हफ्ते में 2 बार हेयर मास्क जरूर करें। ऐसा करने से आपके बाल मॉइस्चराइज होते हैं, सिल्की और स्मूथ बनते हैं। आप घर पर ही अच्छा सा हेयर मास्क बना सकते हैं। हेयर मास्क के लिए आप मेथी के दानों को रात को भिगोकर रख दें और अगले दिन सब उस मेथी के दानों का पेस्ट बनाकर अपने सर पर लगा दें और फिर आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी में मेथी के पानी को मिक्स करके बालों को धो लें। ये हेयर मास्क डिलीवरी के बाद जो बाल झड़ते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है। दूसरा हेयर मास्क जो आप लगा सकते हैं वो है अंडे की सफ़ेदी का मास्क। अंडे की सफ़ेदी को कटोरी में डाल लें और 1 चम्मच शहद और जैतून का तेल मिला लें और उसका पेस्ट बालों में लगाएं और आधे घंटे के बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें। उसके बाद आप देखेंगे आपके बालों में अलग सी चमक आ जाएगी और आपके बाल बिना जद्दोजहद के कंघी से निकल जाएंगे। ये मास्क इतना काम करता है कि आपको आपकी अगर आप कंघी डालोगे आप अपने बालों में तो कंघी आराम से निकल जाएगी। और आप दही का मास्क भी बालों में लगा सकती हैं, ये भी आपके बालों में काफ़ी अच्छा कंडीशन करता है। आइए अब जानते हैं कुछ टिप्स जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करने चाहिए। पहला टिप है, जो डॉक्टर आपको डिलीवरी के बाद सप्लीमेंट देते हैं जैसे आयरन और कैल्शियम, उनको ज़रूर लें और अपनी डाइट में हरी सब्जियां और फल ज़रूर शामिल करें और 1-2 अंडा ज़रूर खाएं डेली, क्योंकि अंडे में प्रोटीन होती है और हमारे बाल प्रोटीन से बनते हैं। जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी उतना ही आपके बाल मजबूत होंगे। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, हफ्ते में 1-2 बार तेल ज़रूर लगाएँ और हमेशा मोटे दांत वाली कंघी का ही इस्तेमाल करें। और जो शैम्पू और कंडीशनर करें वो माइल्ड हो और केमिकल फ्री हो और इस समय स्ट्रेटनर और ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और बालों को कसकर बिल्कुल ना बांधें और जब बाल गीले हों उन पर कंघी ना करें और जब आपके बाल झड़ रहे हों उस समय पर रिवॉन्डिंग और हेयर कलरिंग से दूर रहें। जो कुछ टिप्स अपनाकर आप अपने बालों का झड़ना रोक सकती हैं। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज़।